हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और एटली कुमार की अपकमिंग मूवी जवान की अपडेट्स को लेकर। फ्रेंड, लास्ट फ्यू डेज से आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जवान की मूवी को लेकर डिस्कस हो रहा है कि इसके थिएटर का राइट सोल्ड हो गए हैं, इसका OTT डील साइन हो गई है। तो ऐसे में चलते आपके सामने आज अपडेट्स रखेंगे इसके मुतालिक। फ्रेंड्स, पहले बात करें OTT प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता है पठान का डील हुई थी 100 से लेके 150 करोड़ के बीच में, पर उस टाइम शाहरुख खान की वो क्रेज़ या वो बस नहीं था जो जवान की बार है। तो इस बार आप पक्का उम्मीद लगा के बैठें कि जवान के राइट्स OTT प्लेटफॉर्म पे 200 या 250 करोड़ से ऊपर ही बिकने वाले हैं। OTT का दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर बिकने वाले हैं तो किसे बिकने वाले हैं? क्या डिज्नी हॉटस्टार लेगा, या पठान की तरह अमेजॉन प्राइम लेगा, या फिर नेटफ्लिक्स लेगा? तो फ्रेंड, इनमें जो सबसे हॉट कंटेंडर है वो है नेटफ्लिक्स, क्योंकि रेड चिलीज इंटरटेनमेंट जिसके बैनर तले ये जवान मूवी बन रही है, और नेटफ्लिक्स का इनका काफ़ी बॉन्डिंग है, काफ़ी फिल्म इन्होंने एक साथ पहले भी की हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 18-22 प्रोजेक्ट्स इनके पहले भी हैं। तो 90% चांस है कि नेटफ्लिक्स ही OTT के राइट्स ले ले जवान मूवी के। फ्रेंड, इसी तरह बात की जाए इसके थ्रेटी का राइट्स की, तो एक जो रूमर्स आ रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई इसकी, रूमर्स आ रहे हैं कि 600 करोड़ में पठान के थ्रेटी का राइट्स बिकने वाले हैं। फ्रेंड, आपको याद होगा कि RRR की बार भी थ्रेटी का राइट्स खरीद लिए गए थे, उससे पहले KGF 2 से पहले भी थ्रेटी का राइट्स खरीद लिए गए थे। थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता हूँ कि थ्रेटी का राइट्स खरीदना होता क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी एक प्रोड्यूसर वो जवान के जब थ्रेटी का राइट्स खरीदेगा, वो 600 करोड़ की अमाउंट जो है वो फिक्स करेंगे, वो दे देगा जवान के मेकर्स को कि ये आप ले लें। उसके बाद जो थिएटर से अर्निंग होगी वर्ल्ड वाइड, वो फिर उस बंदे को जाएगी जिसने वो थ्रेटी का राइट्स खरीदे हुए हैं मेकर से। तो ऐसे में अगर कोई 500 करोड़ या 600 करोड़ जवान मूवी के थ्रेटी का राइट्स खरीद लेता है, तो आराम से इसका डबल अर्न करेगा बॉक्स ऑफिस से, क्योंकि जवान का क्रेज आप सबके सामने है। फ्रेंड, जैसे ही कुछ पे ऑफिशियल अपडेट आती है मेकर्स की तरफ से, तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को लेकर कोई भी सजेशन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।